Okay, so we have defined the focal length, first principle focus and second principle focus for a convex lens. अब चलिए देखते हैं कि कॉन्केव लेंस में ऐसा क्या डिफरेंस है, ये अलग क्यों होता है. सो वी विल डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस में अंतर क्या होता है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसा हमने कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में देखा कि दो फोकसेस होते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस वहां पे होती है. जो मिरर होता है मिरर में सिर्फ एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होती है, लेकिन लेंस अगर कॉन्वेक्स कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी लेंस हो, उसमें रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हमेशा दो दिखाई देती है. तो अगर कॉन्केव लेंस में भी दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, इट मीन्स यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी दो फोकसेस डिफाइन होंगे, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस. सो लेट अस डिफाइन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किस तरह से डिफाइन होगा, लेट अस सी दिस. हम मानते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्केव लेंस है. इस कॉन्केव लेंस में ये ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस है. नाउ एक लाइट रे कुछ इस तरह से आके और एक लाइट रे कुछ इस तरह से आके इस कॉन्केव लेंस को स्ट्राइक करती है, समथिंग लाइक दिस. ये इसका पोल, समथिंग लाइक दिस. हम इस वक्त सिर्फ एक रिफ्रैक्शन मान रहे हैं. हमें मालूम है कि यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन होते हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि ये सिंपल दो रिफ्रैक्शन को एक में हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना बताना है कि लाइट रेस कॉन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है. तो यहाँ पे भी सेम है, ये लाइट रेस कुछ इस तरह से आके स्ट्राइक हो रही है, ऐसा दूर से दो लाइट रेज ऐसी आ रही है और स्ट्राइक कर रही है. और फाइनली ये स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस, मतलब यहाँ पे कॉन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा. तो ये लाइट रेस इस वक्त मूव कर रही है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. सो वी विल फाइंड कि ये लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद ऐसी मूव करने लगेंगी, दैट इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ मतलब कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये मूव करने लगेंगी. ऐसा दिखाई देगा कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है, और हमें ये दिखेगा कि ये लाइट रेस किसी यहां पे जाके किसी पॉइंट पे मीट करने वाली थी. अगर ये लेंस नहीं होता तो ये ऐसी सीधी जाके किसी पॉइंट पे मीट करती. तो ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे F1, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक वो पॉइंट है जहां पे लाइट रेस मीट करने वाली थी. कौन सी लाइट रेस, ये वाली लाइट रेस कौन सी है, ऐसी लाइट रेस जो कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई. तो ऐसी दो लाइट रेस जो कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, वो किसी एक पॉइंट पे मीट करने वाली थी, इस पॉइंट पे. अगर ये लेंस नहीं होता तो ये इस पॉइंट पे मीट कर जाती. तो इस पॉइंट पे जब ये मीट करने वाली थी, लेकिन लेंस की वजह से ये रिफ्रैक्ट हुई. अब रिफ्रैक्ट होने के बाद ये किधर भी जा सकती है, हो सकता है ऐसा ऊपर मूव कर जाए, ऐसा मूव कर जाए, या इस तरफ ही मूव करे. लेकिन इस वक्त ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती हुई हमें दिखाई दे रही है. तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट आया है, दिस इज बेसिकली अ फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस. सो वी विल डिफाइन व्हाट इज दिस फोकस. दिस फोकस इज, इट इज अ पॉइंट It is a point which is basically a virtual position of an object
इट इज बेसिकली अ पॉइंट विच इज अ वर्चुअल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी. हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक वर्चुअल पॉइंट है, यहां पे लाइट रेज मीट नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो इस ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट रेज होंगी वो कुछ ऐसी जाएंगी, ये ऐसी लाइट रेज निकली, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा और ये पैरेलली ऐसी मूव करेंगी, लेकिन ये इस वक्त मूव किधर कर रही है, इस वक्त इस डायरेक्शन में. सो वी विल से कि ये पॉइंट का जो पोजीशन है ये एक वर्चुअल पोजीशन है, यहां पे एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखता तो ये लाइट रेज ऐसी जाती हुई मुझे दिखाई देती. सो इट जस्ट अ फॉल्स पोजीशन, इट्स अ वर्चुअल पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट रखने से उसकी इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी. हमने कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्वेक्स लेंस में भी यही चीज को डिस्कस किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया था, लेकिन वहां पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था वो एक रियल पोजीशन थी, वहां पे एक्चुअल में मैंने एक बल्ब को लगा दिया था, लेकिन यहां पे मैं कोई बल्ब नहीं लगा रहा हूं, यहां पे सिर्फ ऐसा दिखेगा कि एक बल्ब रखा हुआ है लेकिन यहां पे बल्ब रखा नहीं होगा. तो इस पॉइंट पे अगर एक बल्ब रखा होता तो वो लाइट रेज इस तरह से जाती और इस बल्ब की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती हुई दिखाई देती, लेकिन अभी यहां पे कुछ नहीं रखा हुआ है, जस्ट हमने एक मान लिया है, दैट्स व्हाई इट्स अ वर्चुअल पोजीशन. और दिस इज द पोल पी, सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड दिस फोकस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ. सो एफ वन पी इज बेसिकली फोकल लेंथ फर्स्ट, एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट फोकल लेंथ. हम इसमें यहां पे ये देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लाय कर रहा था उस तरफ, ये अगर लेंस है तो इसके कहां लाय कर रहा था, मेरे रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड एंड आपके रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस डायरेक्शन में. लेकिन इस कॉन्केव लेंस में ये पॉइंट कहां लाय कर रहा है, ये पॉइंट इस तरफ लाय कर रहा है, इस तरफ लाइट रेज यहां से आ रही है लेकिन ये पॉइंट इस तरफ है. कॉन्वेक्स के केस में क्या था, लाइट रेज जिस डायरेक्शन से आ रही थी वो उसी तरफ ये पॉइंट लाय कर रहा था. तो यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पॉइंट इधर लाय कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ वर्चुअल पॉइंट, ये पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, हमें सिर्फ लगता है कि यहां पे एक पॉइंट है क्योंकि ये लाइट रेज ऐसी आ रही है. और ये लाइट रेज अगर पैर इस तरह से आती रहती और फाइनली यहां पे मीट कर जाती, लेकिन जैसे ही हमने बीच में लेंस रखा ये लेंस से टकरा के पैरेलल हो गई. ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जब दो लाइट रे ऐसी आए तो वो मिरर इस लेंस से टकरा के पैरेलल हो जाए, हो सकता है वो किसी और डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो सकता है कोई और डायरेक्शन में, हो सकता है और ज्यादा डाइवर्ज हो जाए, हो सकता है और कॉन्वर्ज हो जाए, इट डिपेंड्स. लेकिन अभी अगर ये लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं तो इनके मीटिंग का जो वर्चुअल पॉइंट है उसे हम फोकस कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फोकस. सो लेट अस डिफाइन सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. जैसा हमने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया, इसी तरह से हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को भी डिफाइन करते हैं. सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक हमने कॉनकेव लेंस इस तरह से लिया, इस लेंस में आपने एक इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश की. जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, ऐसा मैंने लेंस हाथ में लिया और जो बहुत दूर पे एक ऑब्जेक्ट है उसे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो उससे आने वाली लाइट रेस इस मिरर पे, सॉरी इस लेंस पे बिल्कुल पैरेलली इंसिडेंट होंगी, मतलब कुछ इस तरह से. और अगर ये लाइट रेस बिल्कुल पैरेलली इस
लेंस पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो बताइए क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद। रिफ्रैक्शन के बाद क्या ये लाइट रेज ऐसी मूव करेंगी या ये लाइट रेज ऐसी मूव करेंगी? इट विल गो अवे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएंगी, बिकॉज दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, सो लाइट रेज विल मूव समथिंग लाइक दिस। लाइट रेज विल गो समथिंग लाइक दिस, बिल्कुल डाइवर्ज होके अलग अलग डायरेक्शन में। और अगर मैं इन्हें ट्रेस बैक करूंगा, इन्हें बैक ट्रैक करूंगा, सो आई विल फाइंड कि ये सभी लाइट रेज ऐसा अपियर होगा कि ये सभी लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है। हालांकि ये जा किधर रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अगर इनमें मैं बैक ट्रैक करूं, इन सभी को बैक ट्रैक करते जाऊं, तो बैक ट्रैक करने पे आई विल फाइंड कि यहां पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे ये अपियर होगा कि ये मीट कर रही है, एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज F2, दैट इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सो कैसे डिफाइन करें सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को? इट इज अ पॉइंट वेयर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इट इज अ पॉइंट वेयर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये कैसा पॉइंट है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अपियर होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट कर रही है, लेकिन क्या एक्चुअल में मीट कर रही है? नहीं, दिस इज अ फॉल्स पॉइंट। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो आप बोलोगे कि फॉल्स फॉल्स, तो फिर जरूरत क्या है? जब ये होता ही नहीं है तो क्यों बनाना, ये होता ही नहीं है तो क्यों बनाना? लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ फिनोमेनन ऐसे होते हैं जहां पे हमें ये चीज की जरूरत पड़ती है। जब हम रे डायग्राम ऑफ दिस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज को डिस्कस करेंगे तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अपियर होगा लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, सिर्फ अपियर होगा कि लाइट रे यहां मीट कर रही है, क्योंकि ये सब डाइवर्ज हो जाएंगी। सो वी विल से दिस इज लेट्स ए पोल, सो F2P इज F2, दैट इज सेकेंड फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ इज F2P, ऐसा हमने इसको डिफाइन कर दिया। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है F2, जहां पे अपियर होगा कि लाइट रेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद मीट कर रही है। सो दिस इज F2P एंड दिस इज F2P इज F2, दैट इज फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ, एंड दिस इज द फर्स्ट फोकल लेंथ। तो हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों जो प्रिंसिपल फोकसेस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस, वो रियल पॉइंट्स होते हैं। वहां पे एक्चुअल में लाइट रेज मीट करती है, वहां पे लाइट रेज एक्चुअल में निकलती हैं। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में आपने देखा कि दोनों जो प्रिंसिपल फोकसेस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, डेफिनेशन लगभग दोनों की सेम है, लेकिन होते वर्चुअल है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस को कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि डेफिनेशन ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। सिर्फ इतना फर्क आता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं अपियर टू बी मीटिंग, अपियर मतलब ऐसे दिखेगा कि यहाँ मीट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं होती। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में वो एक्चुअल में मीट होती है। अगर आप सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस कितना है अपियर वाले इस वर्ड का, अपियर वर्ड की वजह से पूरा डिफरेंस आ जाता है। ये पॉइंट्स यहाँ पे वर्चुअल बन जाते हैं और वहां पे वो रियल पॉइंट्स रहते हैं। सो दैट्स व्हाई हमें इसको अलग से डिस्कस करना जरूरी था कि डेफिनेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी उनके मीनिंग जो एक्चुअल में जो चीज हो रही है वो अलग है, कि ये वर्चुअल है वो रियल है। सो यू कैन नोट दिस।
ओके, सो हमने दो डिफरेंट स्फेरिकल लेंसेस को बहुत बारीकी से समझ लिया, उनके सभी टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया और फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ जो होता है उसे भी समझ लिया, और वो किस तरह से लाइट उनसे टकरा के रिफ्रैक्ट होती है उसको भी समझ लिया। अब ये सब जो हमने समझा, ये क्यों समझा? कोई पर्पस होगा। तो हमारा पर्पस है कि हम पढ़ सकें इमेज फॉर्मेशन। हम पढ़ना चाहते हैं इमेज फॉर्मेशन, हम जानना चाहते हैं कि दो अलग ये लेंसेस किस तरह से इमेज बनाते हैं। ये तो लाइट रे का रिफ्रैक्शन था, लेकिन वो लाइट रे के रिफ्रैक्शन से अभी हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, लेकिन अगर वही लंबा एक पेन खड़ा हो इस तरह से या एक चौक रखा हो तो, और इसके सामने अगर मैं कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस रख दूं, तो किस तरह से इस पॉइंट की, इस चौक की इमेज उसमें फॉर्म होगी, इसे हम समझना चाहते हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सीखते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब जैसा हमने मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के पहले कुछ रूल्स सीखे थे, रूल्स क्या थे? रूल सिर्फ वही थे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बनाए गए थे, लेकिन हमने उसे एज अ रूल याद कर लिया था। जैसे कि अगर लाइट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल जाती है ना, इस तरह से। और कॉन्केव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में रूल्स जो थे ऑलमोस्ट सेम थे। लाइट रे अगर पोल से आके स्ट्राइक करती है तो जिस एंगल पे स्ट्राइक करती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगेन ये सभी जो रूल्स बनाए गए, दीज रूल्स आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरह से यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन में हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे एंड दोज रूल्स विल बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन के बेसिस पे कुछ बेसिक लॉ हम डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट रूल, रूल्स पहला रूल ये कहता है कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होती है। मतलब कि अगर मैं इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस मान लूं, तो इस लेंस में वी विल फाइंड कि यहां पे एक फोकस है F2, जिसे हमने सेकंड प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था। एक लाइट रे अगर इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और यहां पे कहीं स्ट्राइक करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस पॉइंट ये कुछ इस तरह से पास होगा, समथिंग लाइक दिस। तो लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी उसे हमें मानना है कि वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, क्योंकि हमने सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन ही इस तरह से किया कि ये वो पॉइंट है जहां पे लाइट रिफ्रैक्शन के बाद पास होने वाली है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद पास होती है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, सेकंड रूल सेज अ रे ऑफ लाइट incident on
रे ऑफ लाइट ऑन पोल ऑफ द लेंस विल पास द लेंस अनडेविएटेड. वो लेंस को किस तरह से पास करेगी? अनडेविएटेड पास करेगी. अनडेविएटेड मीन्स बिना किसी डेविएशन के. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पोल, तो जो लाइट रे इस तरह से आके इस प्रिंसिपल एक्सिस को स्ट्राइक करती है, क्या होना चाहिए? जब ये इस लेंस को स्ट्राइक करेगी तो दिस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, मतलब ये कॉन्वर्ज होनी चाहिए, मतलब इस तरफ मूव होनी चाहिए या इस तरफ मूव होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन. लेकिन यू विल फाइंड कि जब ये इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पोल को स्ट्राइक करती है, इट विल गो स्ट्रेट, इट विल गो स्ट्रेट, नो रिफ्रैक्शन, मतलब अनडेविएटेड उसको पास करती हुई निकल जाएगी इस तरह से. यू विल फाइंड दिस. लेकिन यहां पे हमने देखा कि लेंस है तो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कभी कभी नहीं होता है. एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हुआ, एंड फाइनली दोनों रिफ्रैक्शन नलीफाई हो जाते हैं. मतलब कि अगर एक लाइट रे को मैं ऐसा पास कराऊं और फिर इसमें रिफ्रैक्शन करूं तो ये ऐसी मूव करने लगेगी, लेकिन फिर इसको वापस से रिफ्रैक्शन करके ऐसा मूव करा दूं तो यू विल फाइंड कि वो लाइट रे सेम डायरेक्शन में ही जाने लगेगी. तो सेम चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है. यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन होते हैं, बट दोनों रिफ्रैक्शन एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं. तो यू विल फाइंड कि लाइट रे बिल्कुल अनडेविएटेड पास हो जाती है. ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. देन थर्ड रूल, रूल नंबर 3, इट सेज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन. किस तरह से होगा ये? इट सेज कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस में, लेट अस से दिस इज द मिड पॉइंट, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस में एक लाइट रे, लेट अस से दिस इज द फोकस, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जिसे हम F1 बोलते हैं, तो एक लाइट रे जो कि इस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई निकल रही है, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ जा रही है, तो वो लाइट रे इस मिरर को स्ट्राइक करने के बाद, इस लेंस को स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी. यू विल फाइंड कि ये लाइट रे ऐसी आ रही थी और क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है इसीलिए ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. अब इसमें कोई नई चीज नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज नॉट अ मैजिक, ये कोई जादू नहीं. यहां पे यू विल फाइंड कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो रहा है, नथिंग एल्स. कि ये पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि लाइट रे जब इस पॉइंट से इंसिडेंट होती है तो ये फोकस जो पॉइंट है हमने डिफाइन ही इसको इस तरह से किया कि फोकस इज दैट पॉइंट जहां से निकलने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है. ओके, तो फोकस इस तरह से डिफाइन है. इट मीन्स यहां से जो लाइट रे गई वो यहां पे स्ट्राइक करेगी. स्ट्राइक करने के बाद यहां पे क्या फॉलो होगा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होने की वजह से दो रिफ्रैक्शंस होंगे, दो रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये लाइट रे ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दीज आर द 3 बेसिक रूल्स जिसके बेसिस पे हम इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ेंगे. दिस वॉज रूल 1, दिस वॉज रूल 2 एंड दिस इज रूल 3. सो यू कैन नोट दिस.